हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाईपास स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग श्रद्धा, अंशिका, हरिओम, गोलू किंग। ये नाम तो बोलने ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे कि जब तक गोलू नाम नहीं आता है तब तक हम लोग किंग जॉन के बारे में बात नहीं कर पाते। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अच्छा, सबसे पहला काम, जो जल्दी से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि क्लास स्टार्ट किया जा सके। ग्रुप पे भी जाके सबको बोल दो कि भाई क्लास शुरू हो चुका है। अब सबसे पहला काम देखो, ये तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना, शेयर तो कर ही दोगे, मुझे इतना तो यकीन है तुम लोगों के ऊपर। अब इसके अलावा देखो, जरा टाइम स्लॉट जो है ना, इसको ध्यान रखो। मौसम, अभी आप बोल रहे थे कि 9 बजे की जो PDF है मैम आपने वो शेयर नहीं करी, तो एक्चुअली बेटा 9 बजे की PDF का आज जो सेकेंड पार्ट है वो भी चलेगा ना, तो दोनों पार्ट आज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक साथ मैं आपको दोनों PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग दीपक, सुधा, रवि, काजल, हरीश, वेंकटेश, योगेश, हिमांशु, रोहित, गौरव, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास की। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि सुबह 5 बजे आपका क्विज का सेशन होता है, उस क्लास को देखना नहीं भूलना है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो सेक्शन है वो है मैपिंग। अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रेलवे, SSC या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, इवन NDA और CDS, क्योंकि वो भी UPSC के अंदर इंक्लूड हो गया है ना, तो इन एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये मैपिंग का सेक्शन देखना मत भूलना, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जहां से हमेशा सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा होता है आपका 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास, पूरा 1 घंटे का क्लास होता है 7 से 8। और 8 बजे आज कौन सा इशू है ये भी मैं आपको बता दूं, 8 बजे टोटल आज आपको 5 ऑपरेशन के नाम एक जगह मिलने वाले हैं, जो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा चलाए गए हैं ड्यूरिंग COVID-19, ठीक है। तो ये आपको 5 एक जगह पर आज मिलने वाले हैं सारे के सारे। जय जगन्नाथ, कान्हा, कृष्णा, निशि, चलो अच्छा, पूनम, अरुण, ओमकार, विकास, गगन, आशीष, नवीन, अशोक, गुड मॉर्निंग टू ऑल, ठीक है। और शाम में 4 बजे आना मत भूला करो, क्योंकि ये रहता है आपका रेलवे का टेस्ट का टाइम, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। आप देखो सेशन में क्या क्या होगा। सबसे पहले होंगे न्यूज़पेपर हेडलाइन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी अफगानिस्तान के बारे में, और थोड़ी सी बात करेंगे WHO के बारे में, क्यों है ये चर्चा में, इसके बारे में भी हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे। फिर होगा MCQ का सेक्शन, जहाँ पे आप आंसर करते जाओगे, जो पुरानी वाली न्यूज़ है वो मैं आपके साथ रिलेट करती जाऊँगी। फिर न्यूज़पेपर देखेंगे कि न्यूज़पेपर में और क्या हेडलाइन है, और लास्ट में चल के ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, आज जो हम लोग स्टेट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हरियाणा, और हरियाणा के साथ कंट्री जो है आज फिर नेपाल है। अब आप पूछो कि मैम वाई, कल तो आपने नेपाल पढ़ाया था, आज क्यों आप रिपीट कर रहे हो? रिपीट करने का रीज़न है, रीज़न यहाँ पे ये है कि नेपाल कल फिर से चर्चा में आ गया था। अब नेपाल ने बोला है कि वो एक अपना नया मैप बनाने जा रहे हैं, तो नया जो मैप आने वाला है, तो पहले एटलीस्ट हमें पुराना मैप तो पता हो, तब तो नया वाला मैप समझ में आएगा। तो इसलिए आज हम लोग उस कंट्री को दोबारा से देखेंगे, ताकि आपको ईजिली वो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान लो रखो यहाँ पे, ये बैच आपको पता है फाउंडेशन बैच है, जिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप GS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये पूरा बैच जो है GS का है, कंप्लीट GS, जिसमें शुरुआत मैंने ज्योग्राफी से करी है, आगे हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स इसी में कंप्लीट हो जाएंगे आपके, चाहे फिर आप SSC के लिए प्रिपेयर करो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें GS आती है, ठीक है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो कहाँ, अनअकैडमी पे। कौन सी कैटेगरी में मैम? SSC कैटेगरी में। लेकिन इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट, आज सुबह 10 से 11 का जो टाइम स्लॉट है ना, वहाँ पे आपको स्पेशल क्लास जो मिलने जा रहा है वो है मॉनसून का, और रात में 9 से 10 आपको जो स्पेशल क्लास मिलेगा वो होगा जनवरी के करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2, ठीक है। सारे मैंने क्लासेस आपको बता दिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पवन, मेघा, सिमरन, गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग अर्चना, श्रुति, अभय, नूर, अर्जुन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, एनी गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो ये क्लासेस के टाइम ध्यान रखना, क्योंकि जो स्पेशल क्लासेस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। तो आज हम लोग अभी सुबह 10 बजे मॉनसून पढ़ेंगे अनअकैडमी पे, और रात में 9 बजे क्या पढ़ेंगे, जनवरी के करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2। इसके अलावा अगर आप पूरा GS पढ़ना चाहते हो तो आप इसके लिए इस फाउंडेशन बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हो ऑन अनअकैडमी। बस ये याद रखना कि जब भी आप इस बैच को अवेल करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी Kruti10। चलो अच्छा, दिन की शुरुआत एक अच्छे से थॉट के साथ होनी चाहिए, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं थॉट की। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपनी
तरीके को बदलना पड़ेगा, इरादे को नहीं। देखो होता क्या है ना कि हम लोग ट्राई तो बहुत करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन एक बार अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं क्वालिफाई होता है, फिर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे छोड़ो यार कुछ और काम कर लेते हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं या रेलवे के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना एम अपना ऑब्जेक्टिव जो होता है वही चेंज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें चेंज क्या करना होता है, हमको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, अपने तरीके चेंज करने हैं, क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल वैसे नहीं होती जैसे पहले होती थी। फॉर एग्जाम्पल 2012 में यूपीएससी का पेपर जैसा आता था, बिल्कुल हलवा टाइप का, वो पेपर आज नहीं आता। आज आपको किताबें पढ़ने के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत है, लेकिन 2012 में क्या था, अगर आपने किताबें पढ़ ली, अगर आपने हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ ली, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड है। बट यहाँ पे आज का जो सीन है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है लाइफ में, या सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते जाओ, सिलेक्शन आपका ज़रूर से हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत करी जाए यहाँ पे, ये हरि ओम यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से इमोजीज बना के भेजते हो, आधी तो समझ ही नहीं आती है। ओके, अब शुरुआत करते हैं, कल जो मैंने आपको सवाल दिए थे वहाँ से शुरुआत करी जाएगी। तो कल मैंने आपको यहाँ पे यूपी पीसीएस में से कुछ क्वेश्चन दिए थे। पहला सवाल था मेरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। देखो ये इंडेक्स जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, और इस इंडेक्स में जो स्टेट नंबर वन पे रहा था वो कौन सा था, कर्नाटका, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो फ्रेश वाटर भी है यानी कि साफ पानी की भी है, और आगे जाके वो सॉल्टी हो जाती है यानी कि खारे पानी की हो जाती है, तो ये रिवर कौन सी बनेगी, लूनी रिवर। लूनी रिवर कहाँ पर आपको मिलती है, राजस्थान के अंदर ये रिवर है, और ये कहाँ से निकलती है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है या फिर वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अरावली पहाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको हरियाणा दिल्ली और राजस्थान के एरिया में मिलती है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, वो क्या है, गुरु शिखर है, माउंट आबू मा करके मत चले आइएगा, इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली की पहाड़ियों पे ही आपको दिलवाड़ा नाम का टेम्पल भी देखने को मिलता है। दिलवाड़ा टेम्पल जो है ये जैन धर्म के लिए, ठीक है, जैनिज्म के लिए जो मंदिर है ये जाना जाता है। अगला सवाल था मेरा आईएमएफ से, आईएमएफ की सीईओ और एमडी के रूप में अभी फिलहाल किसका अपॉइंटमेंट हुआ था, कुछ टाइम पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है, इसका आंसर क्या बनेगा। पहले तो आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और इसकी हेड कौन है या फिर एमडी या सीईओ कौन है, तो ये हो जाएंगी क्रिस्टियाना जॉर्जेवा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बुल्गेरिया से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट है ये भाई, सेशन को एक बार से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, अपने दोस्तों की नींद खराब कर दो, क्योंकि नींद खराब करने पे अगर कुछ नया और कुछ अच्छा सीख रहे हो तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, वो सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, यूनेस्को का 43rd जो एडिशन है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था बाकू के अंदर। बाकू किसकी कैपिटल है, अजरबैजान की कैपिटल है। अगर आपको अभी याद आ रहा हो तो जो बाकू नाम की जगह है वहां पे जो नैम है, नैम क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका जो सम्मेलन था वो भी यहाँ पे आयोजित हुआ था, क्योंकि बाकू के पास 2019 से लेके 2022 तक की चेयरमैनशिप है, किसके पास, अजरबैजान नाम की कंट्री के पास। ये कहाँ पे मिलेगी, तो ये आपको सेंट्रल एशिया वाले एरिया में आपको मिलेगी, जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है ना, जहाँ पे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान ये कंट्रीज हैं, वहाँ पर आपको ये कंट्री मिलेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे था, 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है पूरे वर्ल्ड में। ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे जो कृषि किया जाता है यानी कि जो फार्मिंग करी जाती है, वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत कम हो, केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत कम हो, और जो उस एरिया में नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं उससे फार्मिंग करी जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। तो सबसे पहली कौन सी बनेगी, तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा सिक्किम। ठीक है, पांच सवाल दिए थे, पांचों सॉल्व हो गए। ओके, चीफ इकोनॉमिक्स अगर पूछी जाएंगी, करेक्ट आनंद, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसके बारे में। अब आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहली न्यूज हेडलाइन का पार्ट जो बना है, दैट इज अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान में हुआ क्या, पहले तो जरा अफगानिस्तान की अगर हम लोग लोकेशन देखेंगे तो इंडिया से थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे आपको मिलेगा, पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट बगल में अफगानिस्तान है, ठीक है, अभी मैप भी देखेंगे। अफगानिस्तान न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आपको ये चीज तो पता है कि तीन नाम आपको सुनने को मिलते हैं। पहला नाम क्या है यहाँ पे, पहला नाम है अशरफ घनी। इनको अभी हाल ही में सत्ता में दोबारा से लाया गया था, अगर आपको ध्यान हो मैंने आपको ये पढ़ाया था। दूसरा नाम जो है वो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला, मतलब इनके नाम में दो बार अब्दुल्ला है, ठीक है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला। और तीसरा नाम जो यहाँ पे आता है सबसे ज्यादा वो है तालिबान ग्रुप।
अब यहाँ पे देखो अभी तक समस्या क्या चल रही थी। मैंने आपको एक बार पढ़ाया था यूएसए और अफगानिस्तान के बारे में कि यूएसए जो है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ग्रुप है उनसे बात करके अफगानिस्तान के अंदर शांति को स्थापित करना चाहता है। कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि पीस टॉक के बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है, और ये जो पीस टॉक हुई थी इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दोहा के अंदर किया गया था। दोहा किसकी कैपिटल है? कतर की कैपिटल है। तो देखो हुआ क्या था, एक्चुअली ये कहानी है। अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखा जाए तो सरकार और तालिबान के बीच में हमेशा ही विवाद रहता है। कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो सिख यानी कि जो गुरुद्वारा था वहां पे भी तालिबानियों ने अटैक किया था। उसके बाद इंडिया के स्टेटमेंट्स भी आए थे, यूएसए का भी स्टेटमेंट आया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यूएसए ने बोला कि हम भैया तुम्हारे यहाँ पर आए थे कि हम तालिबान से बात करेंगे और यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर क्या हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन यहाँ की जो सरकार है यानी कि जो ये अफगान गनी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर, इन्होंने बोला कि ठीक है आप बात कर लो, अगर कहानी सेट हो जाएगी तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि तालिबान और अशरफ गनी यानी कि गवर्नमेंट और इस रिबेलियन ग्रुप के बीच में फिर से विवाद होना शुरू हो गया और अटैक होना शुरू हो गया। अब आया अमेरिका को गुस्सा, आप तो जानते ही हैं डोनाल्ड ट्रंप अंकल का नेचर। अब आया अमेरिका को गुस्सा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर तालिबान और अफगानिस्तान की जो सरकार है इन दोनों ने मिलकर अगर काम करना शुरू नहीं किया तो यूएसए जो फंडिंग करता है किसको, अफगानिस्तान को, वो फंडिंग बंद कर देगा। और ये फंडिंग कितने की करी जाती है, $1 बिलियन की फंडिंग करी जाती है। जैसे ये बात सुनी अफगान गनी तो बिल्कुल सदमे में आ गए, उन्होंने कहा यार अब क्या किया जाए। तो इनका एक और राइवल था, यानी कि अफगान गनी की एक समस्या तो तालिबान था लेकिन एक दूसरी समस्या भी थी, वो कौन थे, वो थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला। एक्चुअली ये इनके अगेंस्ट रहते हैं, अब हर जगह होता है ना, दो पार्टी होगी तीन पार्टियां होंगी तो ये इनके अगेंस्ट रहते हैं। अब इन दोनों के बीच में अलग से यहाँ पे दुश्मनी चल रही थी, तो अब इन्होंने क्या किया है, अशरफ घनी अब्दुल्ला अब्दुल्ला से हाथ मिला चुके हैं और अब ये दोनों लोग साथ में मिलके अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, तालिबान से बात करने के लिए यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब ये तो बात हो गई इसके बारे में, अब इंडिया का यहाँ पे क्या एंगल है। देखो इंडिया की अगर हम एंगल की बात करें तो इंडिया यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर का मतलब हो गया जैसे कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो किसने डेवलप करी, इंडिया ने डेवलप करी। डेलाराम जारांज, ये जो रोड है ना ये भी कौन डेवलप किया, ये भी इंडिया ने डेवलप करी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब समस्या यहाँ पे क्या है, समस्या है यहाँ पे तालिबान की। तो अभी अगर आप कल का पेपर उठा के देखो तो एक पूरा एडिटोरियल का पार्ट निकला था जिसमें बोला गया था कि इंडिया को तालिबान से अभी बात नहीं करनी चाहिए, इंडिया का जो फोकस होना चाहिए वो अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पे होना चाहिए। भाई क्यों तालिबान से बात नहीं करनी चाहिए, तो आपको याद आएगा कि एक हाईजैक हुआ था, कुछ याद आ रहा है, एक कांधार नाम का एक हाईजैक हुआ था ना, ये जगह का है, यहीं पे तो अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो प्लेन हाईजैक हुआ था वो भी तालिबानियों के द्वारा किया गया था, तब से इंडिया और तालिबान के बीच में जो डिस्प्यूट है वो ज्यादा बढ़ता चला गया। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो न्यूज का पार्ट बना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अफगानिस्तान की लोकेशन पूछी जा सकती है, यहाँ पे अशरफ घनी के बारे में पूछा जा सकता है, तालिबान ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट किए ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अंशिका बेटा अगर क्लास का टाइम चेंज हो सकता है तो डेफिनेटली हम कर देते, क्योंकि कोई टाइम स्लॉट खाली नहीं था इसलिए वो टाइम स्लॉट मुझे रखना पड़ा है 9 से 10, और ये 9 से 10 का जो टाइम है ये 29 तारीख तक कंटिन्यूअसली चलने वाला है। बैक टू बैक आपको क्लासेस मिलेंगी, सारे स्पेशल क्लास हैं। और आज देखो मैं फिर से बता दूं, आज आपको स्पेशल क्लास अभी सुबह 10 बजे मिलेगी मॉनसून की, उसके बाद रात में भी स्पेशल क्लास है, यानी कि आज 2 स्पेशल क्लासेस हैं, दोनों में आना मत भूलना, लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है अंकित, करेक्ट, चलो अच्छा अच्छा, जरा एक काम किए करते जाया करो, शेयर करते जाया करो। अब ये तो हो गई पहली न्यूज़ का पार्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इसके बारे में कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, अशरफ घनी जी हैं, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला कौन है, ये इनके अपोजिट में थे, तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब आया मैप का पार्ट। देखो मैप के पार्ट में हमेशा लोकेशन इंपॉर्टेंट आ जाती है। देखिए तो ये आपको नजर आ रहा है अफगानिस्तान, राइट, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी, काबुल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान
और यहाँ से अगर आप देखो तो ये छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे चाइना का भी दिख रहा है आपको, है ना। और ये चाइना के जस्ट बगल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जस्ट नीचे आ जाएगा आपका पाकिस्तान, और इंडिया और अफगानिस्तान का भी जो बॉर्डर है वो बहुत ही छोटा सा शेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ईरान। अब ये तो बात हो गई इसके बारे में, लेकिन अब इंडिया का यहाँ पे क्या एंगल है वो हमें ध्यान रखना है। देखो ये है आपका मुंबई यानी कि महाराष्ट्र वाला एरिया, राइट। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ से एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है ईरान के अंदर, जिसका नाम क्या है, चाबहार पोर्ट। अब देखो होगा क्या, अफगानिस्तान देखो तो आपको ये लैंडलॉक नजर आ रहा है ना, मतलब इसके आसपास अगर आप देखो तो कोई सी रूट नहीं है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, इंडिया यहां से बनाएगा एक रास्ता ईरान तक के लिए, और ईरान से ये रास्ता कहाँ जाएगा, अफगानिस्तान को जोड़ेगा। तो ये जो पूरा रोडवे है, आई मीन ये जो पूरा रूट है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। तो पोर्ट का नाम हो जाएगा चाबहार पोर्ट, कौन सी कंट्री में डेवलप किया गया, ईरान के अंदर। और यहाँ पे ये कौन सी वाटर बॉडी है, ये जो वाटर बॉडी नजर आ रही है ये कौन सी है, ये है गल्फ ऑफ ओमान। क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ये कंट्री कौन सी हो जाएगी, ये ओमान रहेगी, ये ईरान हो गया। अब देखो यहीं पे एक चीज और, ये जो आपको मैप का हिस्सा नजर आ रहा है ये वाला, ये जो आपको पाकिस्तान का एरिया दिख रहा है ना, यहीं पर एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। कल मैंने आपको पढ़ाया था सीपेक के बारे में, तो सीपेक में मैंने आपको बताया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही तो फुल फॉर्म है। तो चाइना जो है ना वो यही वाला जो पोर्ट है ये डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर। बात समझ में आ गई, ये पॉइंट समझ आ गया सबको। हाँ क्या काम करते, सुबह 4:30 बजे क्लास रखते, तुम लोग क्या चाहते हैं क्या हो बताओ, 4:30 बजे कोई क्लास रखता है, हाँ चलिए। अच्छा फिलहाल अब जो दूसरी न्यूज़ है, दूसरी न्यूज़ पे आ जाते हैं। आई होप कि पहली वाली जो न्यूज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी न्यूज़ का पार्ट देखो क्या है, WHO। मैंने आपको बताया हुआ है WHO के बारे में, हम लोगों ने कई बार बातें करी हैं, तो पहले इसका ज़रा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, फिर आते हैं इसके न्यूज़ के पार्ट पे। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। टोटल इसमें सदस्य कितने हैं, 194 कंट्रीज़ हैं। इसका गठन कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को इसको बनाया गया था, और 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। समझ में आ गई बात, इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट, इंडिया जो है वो WHO का मेंबर किस दिन बना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, 12th of January 1948। जरा मुझे बताओगे इंडिया के अंदर जो 12th of January है ये दिन किस रूप में मनाया जाता है, 12th of January जो है वो इंडिया के अंदर किस रूप में मनाया जाता है, जल्दी आंसर करो। अच्छा अब देखो न्यूज़ का पार्ट यहाँ पे क्या बना हुआ है, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो 8 बजे की क्लास में बताया था WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और नाम था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, कुछ याद आया। देखो WHO जो है ना एक्चुअली तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे तीन चीज़ों की बात करें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पहला, दूसरा हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या बनेगा, ये हो जाएगा सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट को हम क्या कहते हैं, सिक्कि सचिवालय होता है ना, वैसे ही सेक्रेटरिएट होता है। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, WHO का गठन किया जाता है, बड़ी अच्छी बात है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना WHA, ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसकी मीटिंग चल रही है, 2 दिन इसकी मीटिंग चलेगी, 18 और 19 तारीख। अब इसमें क्या अनाउंसमेंट हुआ है वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इन तीनों के बारे में थोड़े थोड़े से पॉइंट सुन लो। जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं WHA, तो इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 194। द एग्जीक्यूटिव जो मैंने लिखा हुआ है इसमें टोटल मेंबर कितने, 34 है, और जो सेक्रेटरिएट है इसमें मेंबर्स जो है वो कुछ मतलब पर्टिकुलर मेंबर्स नहीं है। अब देखो हुआ क्या, ये जो WHA मैंने लिखा हुआ है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो लिखा है, इसका 73rd सेशन जो है वो अभी आयोजित किया जा रहा है, कहाँ, जिनेवा के अंदर। इसकी अध्यक्षता कर रहा है इंडिया, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इसको लीड करने का काम इस टाइम पे इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। अब हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने लेकर आया एक बिल, ऑस्ट्रेलिया एक बिल लेकर आया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यार चाइना के अंदर जो COVID-19 इतनी तेजी से फैल रहा था, क्यों ना हम इसके ऊपर एक जाँच करें, ठीक है। ये किसने बोला, ये ऑस्ट्रेलिया ने बोला। तो ऑस्ट्रेलिया जो बिल लेकर आया इसको सपोर्ट मिला कितने देशों का, 61 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट कर दिया कि हाँ हाँ भैया इसका हम लोग को यहाँ पे चेक कराना चाहिए। अगर आपको याद हो तो चाइना के अंदर जब वुहान में USA ने बोला था कि हम आपकी जो वुहान की लैब है उसको चेक करना चाहते हैं कि ये जो वायरस था वो यहीं से रिलीज हुआ था कि नहीं हुआ था, चाइना ने साफ मना कर दिया था, नो एंट्री नहीं मिल रही, नो एंट्री का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन अब जब ये ऑस्ट्रेलिया बिल लेकर आया है तो 61 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया, एंड सबसे बड़ी बात कि इंडिया ने भी इसको सपोर्ट कर दिया है, मतलब टोटल 62 कंट्रीज हो गई हैं जिन्होंने इस बिल को यहाँ पे सपोर्ट किया। अब हमारे एग्जाम में देखो क्या पूछा जाएगा, पहला सवाल WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये हो जाएगा जेनेवा में, इसके हेड कौन है, टेड्रोस जी इसके हेड है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अभी यहाँ पे हाल ही में WHA की बैठक हुई है कौन सा एडिशन था,
73rd एडिशन था। चौथा सवाल पूछा जाएगा कि इसको हेड किसने किया, इंडिया ने हेड किया। पांचवा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं, तो 34 हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। चलो अच्छा सेशन को यार शेयर करते जाया करो, इतना काम कर लिया करो यहाँ पे। अरे बिल का नाम कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक नाम, ऐसा कुछ नहीं। बिल का नाम और बिल का नंबर और अमेंडमेंट थोड़ी ना पढ़ना है यहाँ पे, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना पढ़ना है। कैसी बातें करते हो तुम लोग यार। तो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, कोरोना को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक बिल लेकर आया है, एक नोटिस लेके आया है, इन शॉर्ट एक नोटिस लेके आया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी कैनबेरा और इसकी करेंसी रहेगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यहाँ के पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन है। और पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, जो लार्जेस्ट रीफ है, वो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ मिलती है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगी, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। जरा मुझे ये बताना, ऑस्ट्रेलिया जो है वो कौन से दो ओशियंस के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया कौन से दो ओशियंस के बीच में है। देखो यार, अब ये सारी बातें बात की हो गई, पहले जरा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन से दो ओशियंस के बीच में आपको ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन मिलेगी, जल्दी से आंसर करके बताओ, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे पॉइंट पे। चलो अच्छा, अब आता है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी से सवाल पढ़ते जाना, फटाफट से आंसर करते जाइएगा। पहला सवाल, दी उज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आपको बताना है कि जो उज नाम की नदी है वो इनमें से किसकी सहायक नदी है। ये सवाल इसलिए बनाया है क्योंकि उज प्रोजेक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इसको अप्रूवल दिया जा चुका है कैबिनेट के द्वारा और इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ओमकारेश्वर डैम एमपी के अंदर है, नर्मदा नदी के ऊपर। एमपी ने भी यहाँ पे बोला हुआ है कि हम इसके अंदर फिर से कुछ इन्वेस्टमेंट करके इसको दोबारा से डेवलप करने का काम करेंगे। जब भी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट की बात आएगी तो हीराकुंड डैम का नाम जरूर आएगा। हीराकुंड डैम क्यों मैंने बोला है, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मैम डैम क्यों बोल रहे हो आप, डैम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हीराकुंड डैम है ये पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्थन डैम है। क्या है अर्थन डैम, अर्थन डैम का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें अर्थ पे पाई जाती हैं नेचुरली, जैसे कि मिट्टी हो गई है ना, इन सब का इस्तेमाल करके इस डैम का निर्माण किया गया है। कौन सी नदी के ऊपर, महानदी के ऊपर, और कौन सी स्टेट में है ये, ओडिशा के अंदर ये लोकेटेड। भाई देखो 5:30 का मैपिंग जरूर देख लिया करो, इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मैं इतनी चीज़ें यहाँ आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी हम वहाँ पे मैप में कवर कर चुके होते हैं। तो जस्ट गो एंड वॉच दैट सेशन, यार अभी नहीं जाना मतलब बाद में जाना। आंसर बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, रावी रिवर। ओके वेरी नाइस, आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, रावी नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी आपको सहायक नदी मिल रही हैं। तो एक बात से जरा हम लोग मैप में भी देख लेते हैं क्योंकि मैप में देखना भी जरूरी होता है, जब तक मैप देखना नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। पढ़ो ठीक है, लेकिन समझो, रट्टा मत मारो। रट्टा मारोगे आज रटोगे कल भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होता। और वैसे भी जीएस तो बेवफा होती है, आपको पता ही ना कि रात में रट्टा मारते हैं सुबह तक सब गायब, सुबह तक सब साफ। तो देखो यहाँ पे जब हम इंदस की बात करेंगे तो तिब्बत के पठार की तरफ से निकल के आती है, इंडिया में एंट्री मारेगी, और इंडिया में एंट्री मारने के बाद इस तरीके से पाकिस्तान से क्रॉस करते हुए किधर जाती है, कराची की तरफ जाती है और अरब सागर में जाके ये गिरती है, यानी कि अरेबियन सी में जाके ये अपना डेल्टा बनाएगी। सेकेंड पॉइंट, इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा ना, तिब्बत से आ रही है, इंडिया में एंट्री ले रही है, पाकिस्तान में जा रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ईस्ट टू वेस्ट हो गया। बात समझे यहाँ पे, यार देखो लीव लीव। अब देखो यहाँ पे झेलम, चेनाब, सतलज, रावी और ब्यास, पांच इसकी सबसे प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से जो रावी रिवर है जो मैंने अभी आपको बताया, इसको रिवर ऑफ लाहौर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है कि नाबार्ड के द्वारा अभी हाल ही में इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसको 1500 करोड़ रुपीस का अमाउंट दिया जा रहा है ताकि वहां के जो किसान हैं उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। तो एक क्रेडिट फ्लो को मेंटेन करने के लिए किसानों को यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं, और ये सुविधाएं डायरेक्टली नहीं देने जा रहा है यहाँ पे नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड देखो ये सिंपल सी बात है, नाबार्ड जो है ये यहाँ पे एग्रीकल्चर के फील्ड में, या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके लिए काम करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नाबार्ड कभी भी जो लोन होता है वो डायरेक्टली किसी पर्सन को नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। नाबार्ड जो होता है वो डायरेक्टली किसी पर्सन को लोन नहीं देगा, वो किसी बैंक के थ्रू यहाँ पे लोन को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू ये क्या करने जा रहा है, लोन प्रोवाइड करेगा। जरा मुझे बस स्टेट का नाम बता दो। देखो यहाँ पे नाबार्ड आया है, तो मैंने आपको ये तो बताया कि ये गांव के या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करता है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, नाबार्ड एक्ट बन के आया था कौन से ईयर में, 1981 में।
एक कमेटी का नाम भी यहाँ पे आता है, तो कमेटी का नाम भी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, वी शिवा रमन, ठीक है, वी शिवा रमन कमेटी, इनके कहने पर इसका गठन किया गया था। तो एक्ट कब आया था और कमेटी का नाम क्या है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, हेडक्वार्टर की भी बात कर लेते हैं, तो आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई के अंदर। बात समझे, यहाँ से क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर वन, देखो किसी का छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, अरे वाह हिमांशु। देखो बेटा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, खुद समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि ये एक एरिया है, मतलब ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है, ठीक है। यहां से अगर कोई रिवर निकल के इधर की तरफ आ रही, एरो पे ध्यान देना, इधर की तरफ आ रही है, ठीक। तो कोई रिवर अगर यहां से आके जुड़ रही है, मतलब सपोज करो रिवर ऐसे जा रही है ना, ऐसे आ रही है, और यहां से आके अगर कोई रिवर जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और यहां से अगर आके कोई रिवर जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसी का उल्टा कर लो, उल्टे का मतलब अगर कोई रिवर ऐसे बहते हुए जा रही है, यहां से आके अगर जुड़ रही है तो वो राइट बैंक, और यहां से आके अगर जुड़ेगी तो वो लेफ्ट बैंक। सिंपल है, बस इतना जो कॉन्सेप्ट है, अब तो आप अपने आप हिसाब से लगा लोगे, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर रहेगा यहाँ पे पंजाब, पंजाब के अंदर ये लोन प्रोवाइड किया गया। तो पहले जरा हम लोग पंजाब के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जितने भी स्टेट यहाँ लिखे हैं, हर एक स्टेट न्यूज में रहा है, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इतना अमाउंट यहाँ पे इनके द्वारा दिया जा रहा है। 10 दिन से पढ़ाई नहीं करिए भाई, पढ़ाई कंटिन्यूएशन में रखो, वरना बाद में देखो एग्जाम टाइम में बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर तो ये अमाउंट यहाँ पे दिया गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है, पंजाब की चंडीगढ़ हो जाएगी, हरियाणा की भी सेम है। सीएम कौन है यहाँ पे, अमरेंद्र सिंह जी, कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी। राज्यपाल कौन है, वीपी सिंह जी। इसका गठन कब हुआ था, 1966 में, एंड सेम हरियाणा का भी। अब देखो इसमें लोकसभा सीट कितनी है, 13 है, राज्यसभा सीट कितनी है, 7 है। अगला हो जाएगा हरप्पा की साइट्स, यानी कि जो आपका सिंधु सभ्यता है या फिर जो हरप्पन सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ पे रोपर नाम की जो जगह है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये तो बात हुई पंजाब की। अब देखो सारे स्टेट, कल मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ में एक योजना शुरू करी जा रही है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये कब से लागू हो रही है, 21 मई से इसको लागू किया जाएगा। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर। दूसरा देखो आपको स्टेट दिया है मैंने हरियाणा, हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक बात बोली गई है, बल्कि हम कह सकते हैं यहाँ पे एक कानून लाया गया है, एक बिल लाया गया है, जिसके अंदर ये बोला गया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर ये दो ऐसी जगह होंगी जहाँ पे टैप वाटर, टैप वाटर का मतलब क्या है, घरों के अंदर जो नल से पानी जाता है ना वो स्वच्छ होगा, साफ होगा और बिल्कुल प्योरिटी उसके अंदर होगी। ये पहुंचाने का जो टारगेट रखा गया है वो टारगेट कितना है, 2022। लेकिन सेम चीज़ याद रखना भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसके लिए टारगेट है वो कितना है, 2024 है। सेकेंड पॉइंट देखो, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहली बार इस्टैब्लिश किया गया है क्या चीज़, फॉरेन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे इस्टैब्लिश किया गया है। भाई देखो एक बार से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नोट्स क्लास से नोट्स कैसे बनाए, तो बेटा देखो इसके लिए मैं आपको एक क्लास लेकर आती हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें बता देंगे, क्योंकि क्लास लेते टाइम ये बताना बहुत मुश्किल होता है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे देखो सारे ये स्टेट्स आए थे ना ऑप्शन में, अब पॉसिबल तो है नहीं कि सारे एक ही बार में हमें याद हो जाएं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे सारे स्टेट मेंशन कर दिए और क्यों ये न्यूज़ में थे ये मैंने आपको लिख दिया। आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से नोट्स बनाना है, कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स लिखने के बाद उसका रिविजन करते रहो, क्योंकि रिविजन नहीं होगा तो बिल्कुल अपने नोट्स बनाने का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, वो वेस्ट हो जाता है फिर, ठीक है। चलिए अगला देखो, यहाँ पे फॉरेन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने वाला हरियाणा सबसे पहला स्टेट है। अटल कैंटीन की शुरुआत करने वाला भी हरियाणा सबसे पहला स्टेट है, जहाँ पे 10 रुपये में जितने लेबर्स हैं, है ना, जितने भी माइग्रेंट लेबर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, जो लेबर्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनको यहाँ पे खाना दिया जाता है। महाराष्ट्र चर्चा में क्यों है, भाई देखो यहाँ पे शिव भोजनालय की शुरुआत करेगी, भाई बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 10 रुपये में खाना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर एक गरीब को ये सुविधाएं दी जाएंगी। अगला है फ्री कैशलेस इंश्योरेंस सर्विस महाराष्ट्र के अंदर शुरू करेगी। नेक्स्ट देखो गोवा, गोवा के अंदर यशस्वनी नाम की जो योजना है, किसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई, और इसको लॉन्च किसने किया था, स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। गोवा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 36 नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बात समझ में आ गई, आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जा रहे होंगे, सारे पॉइंट रिकॉल हो रहे होंगे। सबसे बड़ी बात, भूल जाते हो ना, तो भूल जाते हो तो इसी का तो रीजन यही है ना कि रिविजन नहीं होता है, तभी तो भूल जाते हैं। चलो अच्छा अगले सवाल, ये इसका आंसर तुम लोग करोगे, ये आंसर मैं नहीं बता रही, जल्दी आंसर करके बताओ, बताओ यहाँ पे बेंजामिन नेतायू
को अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? एक्चुअली देखो, ये पांचवी बार पीएम बने, सच्चाई तो ये है कि पांचवी बार पीएम बने और पिछले एक सालों में तीन बार चुनाव हुए थे, लेकिन कुछ ना कुछ विवाद हो जाता था जिसकी वजह से यहाँ इसराइल के अंदर सरकार नहीं बन पा रही थी। अब दोबारा से यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ, एक्चुअली दोबारा क्या, पांचवी बार इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ पीएम, किसके लिए, इसराइल के लिए। अब देखो हमें याद क्या रखना है, ये तो कहानी हो गई यहाँ पे, 500 दिनों से यहाँ पे समस्या चली आ रही थी, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, अब जाके यहाँ पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है, ये तो हुई इसराइल की बात। लेकिन आपको अगर याद आ रहा हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे अभी हाल ही में टैगोर स्ट्रीट की शुरुआत भी करी गई है इसराइल के अंदर। कुछ याद कर पा रहे हो, चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि नहीं रिकॉल हो रही है, ये बताओ। यहाँ सेशन को शेयर नहीं करते हो तुम लोग, ये बहुत गलत बात है, सेशन को शेयर करते जाया करो, क्या होगा, ज़्यादातर थोड़ी सी यहाँ पे बातें सुनने को मिलेंगी ना दोस्तों से, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। अब जरा पहले हम लोग ऑप्शंस के साथ खेलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे इस न्यूज़ पे। देखो, ईरान की जो करेंसी है वो चेंज होने जा रही है और क्या बन जाएगी, तुमान बनेगी। लेबनन क्यों चर्चा में था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मरीजुआना कुछ याद आ रहा है, जो भांग होती है ना उसको लीगलाइज करने वाला सबसे पहला अरब कंट्री कौन सा बना, लेबनन बना। और जो मरीजुआना है वो अफगानिस्तान, मोरक्को और लेबनन, इन तीनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। लेबनन की कैपिटल क्या हो जाएगी, बेरूत इसकी कैपिटल बनेगी। ईरान की कैपिटल क्या रहेगी, तेहरान रहेगी। इसराइल की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्या रहेगी, जेरूसलम रहेगी। अगला है सीरिया, सीरिया की कैपिटल है डमस्कस। और सीरिया और टर्की दोनों के बीच में अक्सर विवाद रहता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पे आपको मिलेंगे कुर्द। कुर्द कौन है, ये एक रिबेलियन ग्रुप है, जैसे मैंने अभी तालिबान के बारे में बात करी थी ना, ये सब क्या है, ये सब रिबेलियन ग्रुप्स होते हैं, जैसे हाउदीज हो गया, कुर्दीज हो गए, ये सब क्या है, रिबेलियन ग्रुप्स हैं। तो वैसे ही आपको कुर्दीज मिलेंगे कहाँ पर, बिल्कुल आपका टर्की एंड सीरिया के बॉर्डर पे। अगला है सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रियाद रहेगी इसकी कैपिटल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, G20 का जो सम्मेलन है 2020 का, इसका आयोजन सऊदी अरेबिया के अंदर किया जा रहा है। ओके, मरीजुआना वगैरह, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तेल अभी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो देखो अभी हाल ही में इनको यहाँ पे पीएम के रूप में चुना गया है, प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है, रॉबी रिबलिक, नाम भूल जाना, याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम यही पूछा जाएगा, डैम श्योर। जेरूसलम इसकी कैपिटल हो जाएगी, कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है, हिब्रू लैंग्वेज। जब तुम लोग कई बार बोलते हो ना, मैम इस लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा, मैम उस लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा, तो अक्सर मैं बोलती हूँ तो कौन सी लैंग्वेज में बोलूँ, हिब्रू में। तो हिब्रू जो लैंग्वेज है वो कौन सी कंट्री की है, ये इसराइल की लैंग्वेज है। इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, शेकेल इसकी करेंसी रहेगी। एक बार से मैप में भी देख लो, मैप पे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको नजर आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार से जरा कलर चेंज करते हैं। देखिए, तो ये जो रीजन नजर आ रहा है, दिस इज इसराइल। इसराइल का देखो यहाँ पे किसके साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो इधर जॉर्डन नजर आ रहा है, यहाँ पे ये इजिप्ट का एरिया है जिसका नाम है सनाई पेनिनसुला। कल भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था और आज फिर इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और ये है इसराइल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट जिसका नाम है तेल अबीब। यहाँ पे देखो नजर आएगा सी ऑफ गैलिली, और यहीं पे आपको मिलेगा गोलन हाइट्स। ये जो जगह नजर आ रही है, दिस इज डेड सी, दो देशों के बीच में है इसराइल और दूसरा कौन सा कंट्री हो जाएगा, जॉर्डन। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपका गाजा, और इधर की तरफ यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका मिल जाएगा वेस्ट बैंक। ये दो ऐसी जगह हैं जो पैलेस्टीन की हैं, या फिर पैलेस्टीन इसको क्लेम करता है और इसराइल इसको क्लेम करता है कि ये यहाँ पे विवादों में रहता है। तो दोनों जगह के नाम याद रखना, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, ठीक है, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे आने से पहले जरा हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लेते हैं। इलेक्शंस हुए हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट का नाम आएगा, तो इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा नेसेट। क्या नाम है यहाँ पे, नेसेट रहेगा इसराइल की पार्लियामेंट का नाम। लेकिन यहाँ पे तो मैम और भी पार्लियामेंट के नाम नजर आ रहे हैं, तो जरा वो भी बात कर लेते हैं। देखो, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, शोरा, याद रखते जाना, जो जो हम बोल रहे हैं वो आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला देखो, बांग्लादेश जैतिया संसद, जितने इंडिया के आसपास वाले हैं ना उनके नाम याद रख लो। अगला आपका हो जाएगा यहाँ से जो आपको याद रखना है, दिस इज कनाडा, कनाडा में पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाता है। फिर अगला जो आपको यहाँ से याद रखना है वो हो जाएगा इसराइल का, नेसेट हो गया। इटली का चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज एंड सीनेट। जापान मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पेट वाला है कि मतलब ये सवाल पूछे बिना इनका दिल नहीं भरता। अगला देखो यहाँ पे मलेशिया मजलिस, मालदीव्स मजलिस, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, हमेशा आपको बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लिया करो, उसे लिख लिया करो। और नेपाल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल क्यों मैंने बोला, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल लास्ट में बात करने वाले हैं, नेपाल ने कहा है कि वो एक अपना नया मैप जारी करने वाले हैं, तो नया मैप जारी करेंगे तो पहले वहां की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल भी तो आएगा ना, तो पार्लियामेंट का नाम भी तो पता हो, पार्लियामेंट का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत रहेगा यहाँ की पार्लियामेंट का नाम, ठीक है।
हिब्रू लैंग्वेज मैं सोच रही हूँ सीख लूँ दीप्ति, आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक बार अगर कोई मुझे हिब्रू लैंग्वेज सिखा दे तो मैं सीख भी लूंगी। चलो अच्छा, अगले इस क्वेश्चन का आंसर कहो। साइक्लोन इम्फान, मैंने आपको बता ही दिया था कि ये कौन सी कंट्री के द्वारा नाम लिया गया है, यहाँ पे थाईलैंड के द्वारा ये नाम आया था। देखो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था IMD के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने कहा था कि इसके अंदर जो नाम दिए जाते हैं अलग अलग साइक्लोन के, जो नाम दिए जाते हैं टोटल 13 नेम्स हैं जो इंडिया के द्वारा दिए गए। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 169 ऐसे नाम हैं जो अभी हाल ही में दिए गए, हाल फिलहाल में दिए गए, ठीक है। अब ये जो नाम है ये कौन सी कंट्री का है, थाईलैंड का, लेकिन ये नई वाली लिस्ट में से नहीं आया है, जो पुरानी वाली लिस्ट चल रही थी उसी का आखिरी वाला नाम था और वो आखिरी नाम इस वाले चक्रवात को दे दिया गया है, यानी कि अब जो अगले वाले साइक्लोन्स आते जाएंगे उनको नई वाली लिस्ट में से नाम दिया जाएगा, ठीक है। जरा बताना यहाँ पे ये कौन से वाले पोर्ट पे जाके स्ट्राइक करेगा, कौन से बंदरगाह पे जाके स्ट्राइक करेगा। बेटा बेटा सवाल देखो, सवाल देखो, ओरिसा मत लिखो, सवाल देखो, ठीक है ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा ओरिसा। देखो ओरिसा का जो पारादीप पोर्ट है ना वहां पे जाके ये स्ट्राइक करेगा। अच्छा यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश लिखा है, अच्छा आंध्र से एक न्यूज मुझे देखो याद आ रही है, आंध्र के अंदर विजैक में एक गैस लीक हुई थी ना, जरा उस गैस का मुझे नाम जल्दी से बता देना। वो कलरलेस गैस थी, विजैक आसपास के 3 किलोमीटर का एरिया खाली करा लिया गया था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी लोगों को, इरिटेशन हो रहा था, ये सब था ना, जल्दी से गैस का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो न्यूज में ये क्यों आया दोबारा से, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर विजैक में ये जो गैस लीक हुई थी इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीरव कुमार जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जा रही है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम, ध्यान रखना, कोई भी कमेटी बनेगी तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर बताओ जल्दी से, स्टारिनी, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये साइक्लोन अभी स्ट्राइक कर ही रहा है, भाई पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा के अंदर है, वेरी नाइस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंडिया के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो 180 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड होती है। ये वाला जो साइक्लोन आ रहा है इसकी स्पीड जो है वो अप्रॉक्स 240 किलोमीटर बताई गई है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेट टाइप ऑफ साइक्लोन होता है तो पहले तो ये इंडिया में नहीं आता है ना, ये इंडिया में नहीं आता, ये टेम्परेट वाला जो एरिया है वहां पर ये आपको मिलता है, और इसमें जो स्पीड होती है वो एवरेज में 70 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच में होती है। तो जब ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट इतनी तेजी से आके इंडिया के कोस्ट पे स्ट्राइक करेगा तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी और जो डिस्ट्रक्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो इससे बचने के लिए इंडिया ने क्या किया हुआ है, इंडिया की NDMA, ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको यहाँ पे भेज दिया गया है कि आप जाके वहाँ पे एरिया को खाली करा लो, पूरा इन्वेस्टिगेट कर लो, वहाँ पे कोई भी क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए, कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो बस हमें याद क्या रखना है, ये जो यहाँ पे आपको NDMA दिख रहा है ना, इसको फॉर्म कब किया गया था, 2005 में इसके लिए एक बिल आया था, याद रखिएगा। और ये डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करता है, PM को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। कल शाम में अगर आपने देखा भी हो तो नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों से बात भी करी थी, एक पूरा कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, मतलब छोटा सा एक हेडलाइन का पार्ट बना था। ओके ठीक, बिल्कुल सही है, यहाँ पे यू आर ऑल्सो फ्रॉम ओरिसा। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, वेस्ट बंगाल को भी थोड़ा सा हार्म हो सकता है, पता है। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, अक्सर यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन साइक्लोन की वजह से देखने को नहीं मिलता है, क्या मुझे कोई इसका रीजन बताएगा, कमेंट सेक्शन में जरा बताना इसका रीजन क्या हो सकता है। अंकित मैंने बोला तो बोला, मैंने जस्ट बोला, बोलने का मौका तो तुम लोग दिया करो। अच्छा हाँ एक चीज और देखो, ये तो बात हो गई अभी रिसेंट वाले की, लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक और साइक्लोन आया था जिसका नाम क्या था, फेलिन, ये आया था 2013 में। उसके बाद एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था फेनी। तो ये सारे साइक्लोन जो चक्रवात है इनके नाम याद रखना। अगला सवाल देखो यहाँ पे कौन सा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे अभी हाल ही में चरण पादुका कैंपेन की शुरुआत करी गई है। तो ये स्टार्ट हुआ है MP के अंदर, ठीक। अब पहले हम लोग सारे स्टेट के बारे में बात कर लें, फिर आते हैं MP के बारे में। बेटा बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अन अकेडमी पे जाओ, वहां पे बैंक सेलेक्ट करना,
उसमें आपको सबसे ऊपर देखो बैच मिल जाएगा, आप किसी भी बैच को वहां पे अवेल कर सकते हो। किसी भी बैच को अवेल करोगे तो बैंकिंग में जितने भी क्लासेस आएंगे ना, सारे क्लासेस आप देख पाओगे। कोई वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोकेगा नहीं आपको कि नहीं ये दूसरे फैकल्टी का आप नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी बैच अवेल कर सकते हो, उसमें मेरा खुद का जीए का भी बैच आपको मिल जाएगा। देखो जब भी आप कोई बैच अवेल करो तो बस ये कोड यूज कर लेना ताकि 10% ऑफ भी तो मिले ना। चलो अच्छा आते हैं यहाँ पे सवाल पे, सब्सक्रिप्शन के बारे में लास्ट में बात करेंगे। बिल्कुल करेक्ट है, ये तो फंड हो जाएगा ना, फोर्स हो जाएगा। एनडीएमए क्या है, ये एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका काम होता है ये फंडिंग भी करेगा और साथ में ये एक ये फोर्स का भी काम करता है। इसके लिए जो एक्ट आया था वो 2005 में आया था, ठीक है, मेरा पॉइंट ये है। और ये अथॉरिटी डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करती है, डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी किसको, पीएम मोदी जी को। तो ये आया इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे हमें और क्या याद रखना है। सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में सारे पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए। उत्तराखंड की अगर बात करो तो उत्तराखंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि होप नाम का एक पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसमें क्या होंगे, जितने भी यूथ हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है उनको जॉब देने के लिए उनका पूरा डेटा लिया जाएगा। फिर मैंने आपको कल बताया था जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में, जरा मुझे ये बताओगे जम्मू कश्मीर बैंक के MD के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर। बेटा अभी अनअकैडमी के क्लास के बारे में लास्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में पूरा बता के सेशन को खत्म करेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए यूपी के बारे में बात कर लो। तो भाई यूपी के बारे में क्या बात करें, इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी यूपी में स्टार्ट करी गई, पूल टेस्टिंग यूपी में स्टार्ट हुआ, इसके बाद अगर आपको याद आ रहा हो तो टीम 11 भी यूपी के अंदर बनाई गई, दामिनी के नाम पे एक कैंपेन यूपी के अंदर, 1090 ये हेल्पलाइन नंबर है फॉर विमेन। तो ये सारी चीजें यूपी से जुड़ी हुई हैं। अब आ जाओ इस न्यूज के बारे में कि इसमें एक्चुअल में होना क्या है। देखो चरण पादुका लिखा है ना, सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, चरण पादुका का मतलब। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितने भी लेबर्स हैं ना, या फिर जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं, जब वो MP स्टेट से क्रॉस करते हुए जाएंगे, अगर उनके पास चप्पल नहीं है, अगर उनके पास फुटवेयर्स नहीं है, तो उनको चप्पल प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो आराम से यात्रा कर सके। यार देखो ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छा इनिशिएटिव है, बट मतलब मेरा खुद का परसेप्शन ये कहता है कि ठीक है ये चीजें हो रही हैं, बट यहाँ पे ना इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए भी जो इनिशिएटिव है वो भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अभी अगर आप देखो तो यूपी के अंदर ये इनिशिएटिव लेने शुरुआत करने की बात बोल दी गई है, ये जो योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ये बात बोली भी है कि हम माइग्रेंट लेबर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाने का काम करने वाले हैं। तो ये इनिशिएटिव अगर हर स्टेट ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपी के अंदर आप देख ही रहे हो कितनी ट्रेजेडी वगैरह हो रही है। किसी एक दिन अभी ट्रक पलट गया था तो 25 लोगों की डेथ हो गई। MP और महाराष्ट्र के बीच में भी आपको याद होगा कि 16 लोग ट्रेन के नीचे कट गए थे। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ कोविड ही एक प्रॉब्लम नहीं है, अगर देखा जाना है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इवन सिर्फ हम इंडिया की बात कर लें, सिर्फ इंडिया में ही देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो गई हैं कोविड की वजह से, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे इनिशिएटिव है, प्यार का पौधा बताए बिना तो तुम लोग का दिल नहीं भरता। ओके चलो यहाँ पे ये हो गए इसके बारे में। अच्छा यहाँ पे ये भी तो बता दें कि यहाँ के CM कौन है, तो CM हो जाएंगे शिवराज चौहान जी, और यहाँ के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन जी हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 16 मई को इनमें से कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और ये दिन मनाया जाता है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है, हर्षवर्धन जी के पास, H फॉर हेल्थ, H फॉर हर्षवर्धन जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, चांदनी चौक दिल्ली हो जाएगी, और ये दिन मनाया जाता है नेशनल डेंगू डे के रूप में। आपको पता है मच्छर के काटने से डेंगू होता है, सबको ये चीज़ पता है ना, बच्चे को पता है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सा मॉस्किटो होता है जिसके काटने की वजह से डेंगू फैलता है। तो एंडीज इजिप्शिया नाम का जो यहाँ पे आपका मॉस्किटो होता है ना, उसके काटने की वजह से आपको डेंगू हो सकता है। याद रखिएगा कि नेशनल डेंगू डे किस दिन मना रहे हैं, 16 मई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्या होता है इस दिन में, तो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। चलो अच्छा बेटा ये फंड होता है हिमांशु, NDRF जो होता है ना, ये एक फंड होता है और एक फोर्स भी होता है। फंड का मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट ने किसी जगह पे मान लो डिजास्टर हुआ, ठीक है, तबाही हो गई, तो वहां पे पैसा तो दिया जाएगा ना, तो इसके अंदर एक फंड बनाया जाता है। तो उस फंड में क्या होगा, पैसा दिया जाएगा, वो अमाउंट यूज किया जाएगा उस स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। और ये जो फोर्स भी होता है, इस फोर्स का काम होता है कि अगर किसी जगह पे ऐसे आसार हैं, जैसे कि वहाँ चक्रवात आ सकता है, या मान लो कि कहीं पे भूकंप आया है, तो वहाँ पे इन फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, वहाँ उनको सहायता देने के लिए पहुँचाया जाता है, ठीक है। हिमांशु आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मच्छर के काटने से होता है, तुम लोग लिटरली यार। ओके अगला देखो यहाँ पे, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को, और इस बार की जो इसकी थीम रही थी, मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट,
लिव लॉन्गर. देखो ये थीम नहीं पूछी जाएगी क्योंकि थीम बहुत बड़ी है. थीम हमेशा वो पूछी जाती है, या तो वो दो या तीन शब्दों में हो तो आपसे थीम पूछनी जाएगी. तो ये डे किस दिन होता है? 17 मई को होता है. एक और दिन था जो हम लोगों ने 17 मई के लिए डिस्कस किया था, वो कौन सा था? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे. ये पूछा जा सकता है कनेक्ट 2030, क्योंकि ये बात कर रहा है सेल्फ हेल्प, सॉरी ये आपकी बात कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जिसके अंदर टोटल कितने गोल आते हैं? 17. और ये दिन मनाया कब जा रहा है? 17. तो बस इसको आराम से रिलेट कर लो. टोटल यहाँ गोल 17 है और कब तक इसको अचीव करना है? 2030 तक. सिंपल है, ईजी है, याद हो गया होगा, है ना? संदीप ऐसा थोड़ी ना कि मैं आपका कंदील यहाँ पे कमेंट नहीं देख पा रही हूँ. तन्मय आप हो, आप हो, आप लॉक्ड नहीं हो, आप हो. ओके अगले क्वेश्चन का आंसर करो. देखो यहाँ पे जियो, जियो ने फिर से अपने कुछ स्टेक जो है वो बेचने का निर्णय ले लिया है. और अब आपको बताना है कि जियो यहाँ पे 1.34% के जो स्टेक्स हैं, जो कि करीबन इतने करोड़ के हैं, इसको कौन सी कंपनी को बेचने जा रहा है? देखो कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ अपने स्टेक फेसबुक को भी बेचे थे, लेकिन अब ये बेचने जा रहे हैं किसको? जनरल अटलांटिक नाम की जो कंपनी है उसको ये अपने कुछ स्टेक्स बेच रहे हैं. भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो रिलायंस कंपनी है ना, जो जियो कंपनी है, जब इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था तो उस टाइम पे बहुत सारा लोन ले लिया, ठीक है? तब तो बना रहे थे तब लोन ले लिया था, अब इनके ऊपर हो गया बहुत ज्यादा कर्जा. अब ये क्या सोच रहे हैं कि जो आने वाला मार्च है ना 2021, इस टाइम तक हमारा जितना भी लोन है, हमारा जितने भी हमारे ऊपर कर्ज है, वो सारा का सारा उतर जाए. इसके लिए क्या कर रहे हैं? अपने थोड़े थोड़े जो स्टेक्स हैं वो अलग अलग कंपनी को बेचते जा रहे हैं. ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये पांचवी बार है कि रिलायंस जियो अपने कुछ परसेंटेज को, अपने कुछ स्टेक को यहाँ पे बेच रहा है. जैसे कि यहाँ पे कितना हो गया? 1.34% है. लेकिन इससे पहले देखो फेसबुक को बेचा, सिल्वर लेक को बेचा, विस्टा इक्विटी को बेचा, और अब जाके यहाँ पे किसको बेच रहा है? ये आपको नाम याद रखने, भाई नाम याद रख लेना, नाम ही पूछा जाएगा. इससे ज्यादा ये शेयर वेयर नहीं पूछे जाते कि कितना परसेंट का स्टेक बेचा जा रहा है, ये थोड़ी ना एग्जाम में आएगा, ठीक है बेटा? 9.99% था, ठीक है, 09 नहीं था, 99% था. अच्छा ठीक है. मेरी क्लास की बेटा जो पीडीएफ है ना, वो वाईफाई के ऐप पे भी मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी. सेशन के लास्ट तक रहो, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी बता देंगे. चलो अगला सवाल देखो. इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करो. मैं नहीं बताने जा रही इसके बारे में, तुम ही लोग बताओगे इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है, जल्दी आंसर करो. चलो अच्छा हमें बता दे, वरना बोलोगे कि मैम ने बताया नहीं. ये मनाया जाता है 18 मई को, ठीक है, 18th ऑफ मई को सेलिब्रेट होता है. और इसका आयोजन किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा. सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया? 1977 में इसको मनाया गया था. और इस बार की जो थीम है वो क्या है? म्यूजियम्स फॉर इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. ये थीम आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी वर्ल्ड आ गया, ठीक है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर. पेरिस में ही आपको यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर मिलेगा. ओपेक और OECD, ये ध्यान रखिएगा, ओपेक पूछा जाएगा तो वियना हो जाएगा, OECD पूछा जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है. आखिरी सवाल पे, और इसके बाद आते हैं न्यूज के पार्ट पे. ज्यादा वैसे न्यूज भी नहीं आज. ओके ठीक है, यहाँ सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करो. अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है. सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो आप देख रहे हो ना, अलग अलग अनाउंसमेंट कर रही है हमारी निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर. पूछा जा रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में एक नया पोर्टल शुरू करने की बात बोली गई है, तो ये नया पोर्टल कौन सा है? पीएम ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत करी जाएगी. देखो सीधे शब्दों में बता दे कि इसमें होने क्या वाला है. ये जो पोर्टल बनाया जा रहा है ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, ठीक है, एक ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा जिसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी. आपको ये चीज़ पता है कि कोविड-19 के चलते जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे बंद है, बच्चों की पढ़ाई तो रुक रही है ना, तो उस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो स्टार्ट होगा और DTH सर्विस के द्वारा भी यहाँ पे जो क्लासेस है वो प्रोवाइड की जाएंगी. वो देखा है ना तुम लोगों ने टाटा स्काई पे देखा है, वो दिखाते हैं ना बच्चों वाले, वो क्लासेस वगैरह दिखाते हैं, बस कुछ उसी तरीके से यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाएगा. क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के लिए इसको शुरू किया जाएगा. आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको. ए इसका आंसर बनेगा, करेक्ट है, यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर. तो यहाँ पे जो इनिशिएटिव लिया गया है किसके लिए होगा? क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए होगा. और ये जो इनिशिएटिव है इसको शुरुआत कब से करी जा रही है? तो यहाँ पे देखो, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज विल बी परमिटेड टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज बाय 30 मई 2020. यानी कि 100 जो यूनिवर्सिटीज भी हैं वो भी अपना एक प्रोग्राम शुरू कर पाएंगी 30 मई 2020 से. ये अपने करीबन यहाँ पे काफी सारे जो कोर्सेज हैं उसको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा, इसमें भी एक नया मोटो निकल के आया. मोटो का मतलब एक नई लाइन निकल के आई. वो नई लाइन क्या है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म. जैसे कि वन नेशन वन कार्ड था ना, वन
कार्ड और वन नेशन था जिसमें वो ट्रांसपोर्ट वाला था, उसी तरीके से वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी गई। ठीक है, अब आ जाओ न्यूज़ के पार्ट पे, न्यूज़ के सेक्शन। हाँ, मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे मैम ऑफलाइन तो पढ़ाई करते नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई क्या करेंगे। तुम लोगों की ना दिक्कत यही है कि तुम लोग चीज़ों को यहाँ पे सीरियसली नहीं लेते हो, है ना, और बस यही फिर दिक्कत हो जाती है एग्जामिनेशन टाइम में, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कह रहे हैं ये जो टाइम मिल रहा है यूज़ दिस टाइम, यूज़ दिस टाइम। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगेन आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ है। यहाँ पे क्या हुआ है, लता मंगेशकर जी के द्वारा एक गाना गाया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए। सवाल में सिंपल सी बात पूछी जाएगी, आत्मनिर्भर भारत के लिए अभी हाल ही में किसके द्वारा एक गाना गाया गया है, तो लता मंगेशकर जी का नाम आपको याद रखना है। इनको डॉटर ऑफ इंडिया का भी टाइटल दिया गया है, कुछ याद आ रहा है? मैंने काफ़ी पहले पढ़ाया था, आई थिंक ये जो न्यूज़ है ये दिसंबर की न्यूज़ है, तो ये याद रखना कि इनको कौन कौन से टाइटल्स भी दिए गए। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, अरे ना बाबा मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे मैथ्स आती भी नहीं है, सच्चाई तो ये है, मेरी मैथ्स बहुत वीक है, सॉरी। चलिए अच्छा, अगला देखो फिर आ गया यहाँ पे, NDMA नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इनके द्वारा क्या किया गया है, एक ऑनलाइन डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया है। देखो आपको ये चीज़ पता है कि जितने भी लेबर वगैरह है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे, मैंने कई बार आपके साथ ये डिस्कस भी किया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक नया पोर्टल लॉन्च किया, या हम कह सकते हैं एक नया डैशबोर्ड लॉन्च किया। उस पर क्या होगा कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी यहाँ तक। तो जब इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो इनको सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जाएगा उस राज्य सरकार के द्वारा। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, बस आई होप कि ये इनिशिएटिव अच्छी तरीके से काम करे और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट इसको किया जा सके, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब देखो मैंने अभी आपको बता ही दिया था इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, PM होते हैं, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग को बनाया गया था 2015 में, जरा नीति आयोग के CEO का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, नीति आयोग के CEO का नाम कमेंट सेक्शन में आंसर करो। अच्छा स्पोर्ट्स के पार्ट पे देखो आज क्या न्यूज़ है, बड़े दिनों बाद स्पोर्ट्स के पार्ट पे कोई न्यूज़ आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि COVID-19 की वजह से जितने भी स्पोर्ट्स थे, चाहे फिर वो बॉक्सिंग हो, चाहे बैडमिंटन हो, या आपका फुटबॉल हो, U17 फुटबॉल वेमेन वाला जो इंडिया में ही होना था, इन सबको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन COVID-19 के बाद सबसे पहला स्पोर्ट्स जो स्टार्ट होने जा रहा है वो फुटबॉल के अंदर है, और ये कहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, जर्मनी के अंदर शुरू होने जा रहा है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे नाम जरा ध्यान से देख लेना, बुंडेल लीगा। ठीक है, बुंडेल्स लीगा, ये क्या है, एक फुटबॉल है, जैसे कि क्लब फुटबॉल होता है ना, जैसे कि ला लीगा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये मिलेगा। कहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, जर्मनी में। अब जब ये स्टार्ट होने जा रहा है तो लालीगा ने भी बोल दिया यार मैं भी शुरू करूंगा। लालीगा ने बोला है कि हो सकता है आने वाला जो जुलाई या अगस्त है, लालीगा के भी जो मैचेस वगैरह हैं, फुटबॉल मैचेस हैं, वो भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो अब COVID-19 के बाद सबसे पहला स्पोर्ट्स कौन सा बन गया, ये बन गया। कहाँ पे शुरू होगा, जर्मनी के अंदर शुरू होगा, खेला जाएगा। जर्मनी आया है तो एक बार से मैप देख लेते हैं, मैप देखना जरूरी है। ओके शिवानी करेक्ट, ठीक है। अमिताभ कांजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम लोगों का, वेरी नाइस। तुम लोग आजकल कहाँ से आजकल पढ़ रहे हो, ये बताओ आजकल तुम लोग इतना आ कहाँ से रहा है। अब देखो जर्मनी यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके जस्ट नीचे देखोगे तो ये वाला जो एरिया है दिस इज फ्रांस, ठीक है, ये आपको फ्रांस मिलेगा। तो जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर शेयर होता है। जर्मनी की कैपिटल क्या हो जाएगी, बर्लिन रहेगी। यहाँ की जो आपको चांसलर का नाम सुनने को मिलता है ना, चांसलर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि यहाँ पे PM और प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो उतनी हायर पोस्ट नहीं होती, यहाँ पे चांसलर को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, मतलब ऑन दी पोस्ट की बात कर रहे हैं। जरा चांसलर का नाम बता देना जो जर्मनी की है, जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करना, बहुत ईजी वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने। रोहित शर्मा लालीगा के लिए बिल्कुल करेक्ट है, लालीगा के एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा, वेरी नाइस। और हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि फुटबॉल क्लब के लिए किसी क्रिकेट प्लेयर को यहाँ पे एज अ एम्बेसडर चुना गया, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके चलो, आज हम लोग जो स्टेट डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, कौन सा, हरियाणा। मैंने आपको बताया था ना ये वाला जो एरिया है ये फूल की पत्ती की तरीके से, पेटल्स की तरीके से बताया था ना, इस तरीके से लिखा था मैंने। तो हम लोगों ने पंजाब डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने आज कौन सा डिस्कस करेंगे, आज हरियाणा डिस्कस करेंगे, और कल कौन सा होगा, कल आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, हरियाणा जो है वो भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों का, मतलब जितने भी गांव के क्षेत्र हैं हर जगह पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं मिलेंगी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका सर्वे कैसे होता है मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था
टोटली इलेक्ट्रीफाइड प्लेस, ठीक है, बड़ी अच्छी बात थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा उधर देखें, जब देखा तो वहां पे अंदर उसको क्रिटिसाइज किया गया था। भाई क्रिटिसिज्म किस चीज के लिए, कि मान लो कि अगर कोई एक गांव है उसके अंदर 50 घर हैं, तो अगर 10 घरों में भी अगर बिजली आ जाती है तो उसको इलेक्ट्रीफाइड माना जाता है। तो क्या मतलब हुआ भाई इसका, अब अगर हमें फोन चार्ज करना है तो दूसरे के घर पे जाएंगे क्या? ओके चलो, दूसरा देखो, यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़, यहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और डिप्टी सीएम कौन हो जाएंगे, चौटाला जी रहेंगे। नेक्स्ट है गवर्नर यहाँ पे कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जी रहेंगे। और इसको फॉर्म कब किया गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईयर बताया था ना पंजाब के साथ, तो 1 नवंबर 1966 को इसका भी गठन किया गया। यहाँ की जो विधानसभा है सीट्स कितनी है, 90 है, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा हो जाएगी 5। नेशनल पार्क राष्ट्र उद्यान यहाँ पे कौन सा है, कालेश्वर नेशनल पार्क। अच्छा इससे एक चीज याद आई, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जैसे ही हमारे दिमाग में सुल्तानपुर आता है ना हमारे दिमाग में तुरंत से यूपी स्ट्राइक करता है, बट याद रखिएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो यूपी के अंदर है, और आपको एक ही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो पहला तो हो गया गोरखपुर, गोरखपुर भी कहाँ, यूपी के अंदर, सुल्तानपुर कहाँ, यूपी के अंदर, लेकिन ये दोनों के नाम से जगह कहाँ पर मिल रही है आपको, हरियाणा के अंदर। तो ये मत कंफ्यूज हो जाना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी होता है, ऐसा थोड़ी ना है। अब हरियाणा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ इसकी जो सीमा है वो साझा होती है, अभी मैप में मैंने आपको दिखाया था। अब देखो यहाँ पे रिवर कौन कौन सी, यमुना रिवर हो गई, घाघर रिवर और सरस्वती रिवर। यमुना नदी के ऊपर देखो एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, कौशल्या डैम, इंपॉर्टेंट है ये। अगला यहां से जो आपको याद रखना है ये है सुल्तानपुर लेक, ठीक है। अगला देखो सुखना लेक, ये कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में सूरज कुंड मेला जो है ये लगाया गया था, कौन से स्टेट के साथ मिलके, हिमाचल प्रदेश के साथ मिलके, कौन सी कंट्री के साथ मिलके, उज्बेकिस्तान के साथ मिलके, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके ओके ठीक है, स्टैटिक के बारे में अभी लास्ट में बता रहे हैं, एक बार लास्ट में सुन लेना, बस ये पूरा कंप्लीट कर दे फिर लास्ट में आते हैं। अब देखो कंट्री कौन सी है, नेपाल। भाई नेपाल आज क्यों आ गया चर्चा में, क्योंकि यहाँ की जो पार्लियामेंट है वहां पे कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है कि नेपाल अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी करने वाला है। मतलब जो पहले इनका मैप था, अब कह रहे हैं कि उसमें हम लिपू लेक को भी इंक्लूड करेंगे, काला पानी को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि काला पानी के लिए जब इंडिया का अपना नया मैप आया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, तो इंडिया के नए वाले मैप में उत्तराखंड के अंदर काला पानी को दिखा दिया था। काला पानी क्या हो गया, डिस्प्यूटेड है, पहले से डिस्प्यूटेड है। अब क्या बोला इन्होंने कि हम अपना नया मैप जारी करेंगे, उसमें काला पानी को अपनी कंट्री में दिखाएंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इससे पहले क्या हुआ था, लिपू लेक के ऊपर विवाद हो ही चुका था, इंडिया ने यहाँ पे अपनी सॉफ्ट पावर का यूज किया था और इनको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह सप्लाई करी थी। तो थोड़ा सा हम लोग जरा नेपाल का स्ट्रक्चर देख लेते, तो ये रहा नेपाल का एरिया। ओके, कैपिटल क्या हो जाएगी, काठमांडू, सबको पता है नेपाली रुपी यहाँ की करेंसी हो जाएगी। अब देख लो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा एशिया, कैपिटल काठमांडू, ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली रहेगी। प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है, विद्या देवी भंडारी जी, इनका सेकंड टर्म अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, आई थिंक 2019 में हुआ था। ये मेंबर किसका है यहाँ पे, जरा वो बात करेंगे, तो सबसे पहला ये NAM का मेंबर है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बाकू बताया था ना आपको, और इसके बाद बिम्स्टेक का भी ये मेंबर है। अगला सार्क का भी ये सदस्य है, और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू के अंदर है, सेक्रेटरीएट भी काठमांडू के अंदर है, लेकिन सार्क का जो गठन किया गया था वो ढाका के अंदर किया गया था, कहाँ पे, ढाका के अंदर, ठीक है, बात समझ में आ गई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ कि पहले तो सेशन को लाइक मारो, जल्दी से लाइक मारो, इतने सारे लोग होते हो लेकिन समझ ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ तुम लोग के लाइक चले आते हैं, बच्चा सा लग रहा है तुम लोगों को, चलो अपनी जान से बोल नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। तो ओके, ये सारी बातें होंगे इसके बारे में। अब देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले आपका होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क आपका ये है कि जितने भी आइलैंड्स अभी न्यूज़ में हैं, जितने भी आइलैंड्स अभी न्यूज़ में हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजोगे, और कल मैं उसको डिस्कस करूंगी, सारी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ आपको आइलैंड्स के नाम लिख के बताने कि कौन कौन सा आइलैंड जो है वो चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा अनअकैडमी पे आज आपको जो फ्री क्लास मिलने वाला है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। देखो अनअकैडमी पे जो जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जीएस का मतलब हो गया आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारी चीज़ें हम आपको कवर करा रहे हैं जीएस के पार्ट पे, कहाँ, अनअकैडमी पे। कैसे आपको इसको अवेल करना है, तो आपको जाना है अनअकैडमी पे, गोल में सेलेक्ट करोगे एसएससी एग्जाम और आपको ये कोर्स वहाँ पे नजर आ जाएगा, आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। पहले हम लोग ज्योग्राफी शुरू करिए, कल ही से शुरू करिए ज्योग्राफी, एक ही क्लास मिस हुआ है, अभी भी टाइम है, अभी भी आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। देखो बाद में फिर ये होता है कि छोड़ो यार एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद ज्वाइन कर लेंगे, बेटा जब ज्वाइन बाद में करोगे ना दिक्कत ये है आपके क्लासेस मिस हो जाएंगे, है ना,
अच्छा हाँ, हाउ वॉज अ सेशन, ये तो पूछा ही नहीं मैंने, जल्दी बताओ। क्लासेस मिस हो जाएंगे वो तो आप देख लोगे लाइब्रेरी में, लेकिन आपकी जो क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट हैं, वो कैसे रिजॉल्व होंगे, तो उसके लिए इस बैच को अभी ज्वाइन कर लो। इसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से देखते रहना किसी भी एजुकेटर का। लेकिन कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी कृति 10। चलो बड़ी अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे ये है फ्री क्लास का शेड्यूल। आज अभी आपको सुबह 10 से 11 जो टॉपिक मिलने वाला है, दैट इज मॉनसून। लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। अभी मैं टेलीग्राम का आपको वो भी बता देती हूँ, लिंक भी बता देती हूँ। इसके बाद देखो शाम में आपको एक क्लास और मिलने वाला है, 19 है ना, तो जनवरी का। कल एक करंट अफेयर्स पढ़ा था हम लोगों ने 9 से 10, आज फिर हम लोग 9 से 10 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले, यानी कि आज दो स्पेशल क्लासेस हैं। हर कोई इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए, पड़ोसी के लिए, दूसरे पड़ोसी के लिए, सबके लिए, हर कोई इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो ये स्पेशल क्लासेस हैं, इसको ज्वाइन करना मत भूलना। और जो फाउंडेशन क्लासेस हैं, जो पेड क्लासेस हैं, वो आप कब अवेल कर पाओगे? जब आप कृति 10 कोड का यूज करके इन बैचेस को लोगे। और इन बैचेस का टाइमिंग क्या है? सुबह 8 से 9 ये क्लासेस चलती हैं, मतलब इस क्लास के जस्ट बाद आपको मिलता है जीएस का क्लास। बेसिक से चल रहे हैं, ज्योग्राफी से शुरू किया है, इंडियन ज्योग्राफी का आज दूसरा क्लास है, तो अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसे ज्योग्राफी खत्म होगी फिर इसमें इकोनॉमिक शुरू होगा, फिर पॉलिटिक्स शुरू होगा, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ओके ठीक है, कूल cool. चलो अच्छा, सेशन कैसा लगा था मुझे बता जरूर दीजिएगा। अब ये रहा टेलीग्राम का लिंक, ये है चैनल, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। नाम देख लो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, और जो इमेज लगी है वो पिकाचू की इमेज है। 25,000 से ज्यादा इस पे सब्सक्राइबर्स हैं, सही जगह पे जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट भी बने हुए हैं, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, अभी 9 बजे क्लास का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, कृति सिंह के नाम से, और ये है मेरा पूरा क्लास शेड्यूल। तो अभी मुलाकात होगी आपसे 8 बजे, एक तो छोटा सा वीडियो होगा, जरा 10 मिनट उसको भी देख लेना, 8 बजे भी चलेगा। और इसके अलावा अभी आप लोगों से मुलाकात होने जा रही है कहाँ पे, जो बैच स्टार्ट हुआ है फाउंडेशन बैच, जिसमें आज दूसरा क्लास है, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, आज दूसरा क्लास है। अभी भी अगर अवेल नहीं किया है तो जो पूरा प्रोसेस बताया, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, फिर SSC का गोल सेलेक्ट करना, वहाँ पे आपको मेरा ये क्लास मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कृति 10 कोड यूज करना, 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं आप लोगों से, अभी 8 बजे का क्लास देखना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 ऑपरेशंस एक जगह पे आपको मिलने जा रहे हैं, और इसके बाद शाम में कितने बजे? 4 बजे तो लाइव मिलते ही हैं, लेकिन आज अभी हम लोगों को 10 बजे मिलना है अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास में, तो वहां पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टिल देन